तो हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मी वाई 12.5 से रिगार्डिंग, या फिर कहो तो मी वाई 12 से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि शाओमी की तरफ से रिसेंट में कुछ डिवाइस के लिए अपडेट जो है यहाँ पर रोल आउट किया गया है। तो गाइस यार, इस वीडियो को एंड तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, तो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और दोस्तों, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, जहां पर आप सभी को हर अपडेट से रिगार्डिंग सबसे पहले डाउनलोड लिंक और इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। दोस्तों, तो सबसे पहला जो डिवाइस है रेडमी नोट 8 ग्लोबल स्टेबल अपडेट में मी वाई 12.0.6.0 का अपडेट देखने को मिल चुका है। पर इसका जो सेम अपडेट है, मतलब इसका जो नया वेरिएंट जो निकला है 12. रेडमी नोट 8 2021, इस डिवाइस को ग्लोबल में 12.5.6.0 का अपडेट यहां पर रोल आउट किया गया है रेडमी नोट 8 2021 डिवाइस को। जी हां दोस्तों, अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि नई डिवाइस को अपडेट मिल रहा है मी वाई 12.5 का, और पुराने डिवाइस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। पुराने डिवाइस में अगर अपडेट भी मिल रहा है तो पुराना अपडेट क्यों मिल रहा है। अगर आप सभी को डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाए, वहाँ पर डाउनलोड लिंक अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी 9 और रेडमी 9i डिवाइस है तो इन दोनों डिवाइस के लिए इंडिया में न्यू अपडेट देखने को मिला है। और जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाए, आपको वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, पोको X3 NFC वेरियंट को भी न्यू अपडेट देखने को मिला है, डाउनलोड लिंक अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। उसके बाद दोस्तों, पोको X3 और X3 Pro इन दोनों डिवाइस को भी अपडेट मिला है, तो अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाएं, आपको वहां पर डाउनलोड लिंक अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप सभी को डाउनलोड करना है, इंटरेस्ट है नए अपडेट को लेकर, तो वहां से जाकर सिंपली से डाउनलोड करके मैनुअली फ्लैश कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहां पर MI 90 डिवाइस को ग्लोबल में न्यू अपडेट देखने को मिला है 12.1.4.0 का। अगर दोस्तों आप सभी को ये अपडेट देखने को मिला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाएं, आपको वहां पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी K20 Pro या फिर रेडमी K20 डिवाइस है तो इन दोनों डिवाइस के लिए भी अपडेट देखने को मिला है मी वाई 12.5 का और मी वाई 12 का, तो इन दोनों डिवाइस के लिए भी डाउनलोड लिंक अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर जाके आप लोग चेक करें तो हो सकता है कि आप सभी को अपडेट देखने को मिल जाए दोस्तों। उसका दोस्तों, अगर आपके पास Redmi 8 सीरीज है तो इस डिवाइस के लिए भी तो ऑलरेडी अपडेट रोल आउट किया गया है। अगर आप सभी को उसके बावजूद भी अपडेट नहीं मिला है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, डाउनलोड लिंक अवेलेबल है मी वाई 12.5 का, Redmi 8, Redmi 8a, Redmi 8a 12, इन तीनों डिवाइस के लिए। तो गाइज यार, आज के दिन कुछ डिवाइस के लिए जो अपडेट मिला था, जो हम आप सभी को बता दिए हैं इस वीडियो में। तो गाइज यार, अगर आप सभी को छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।